नमस्कार फ्रेंड, हर्षिता ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्पल कट में पाइपिंग किस तरीके से लगती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसका कटिंग का वीडियो और स्टिचिंग का वीडियो ऑलरेडी बनाकर तैयार कर दिया हुआ है, जिसमें हमने इसका कटिंग का वीडियो फुल ट्यूटोरियल बताया था। उसके बाद यहाँ पर हाफ कॉलर किस तरीके से लगता है वो भी हमने बताया था। और उसके बाद हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो हमारी पाइपिंग है जो हमारे एप्पल कट में वो किस तरीके से बनती है वो हम बताएंगे। हमारे चैनल पर आपको हर साइज़ के पेंट के कटिंग के वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे और हमारे चैनल पर आपको हर साइज़ के प्लाजो कटिंग के दो डिफरेंट स्टेप से हर साइज़ के वीडियो भी देख। तो आज के हम वीडियो में पूरा यही ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा आगे का है और ये हमारा यहाँ पे पीछे का है। पीछे का भी हमारा अच्छे से फिनिशिंग आया हुआ है और ये हमारा आगे का भी अच्छे से ही फिनिशिंग आया हुआ है। अभी हमने यहाँ पे प्रेस नहीं लगाया, इसको हम जब भी प्रेस लगाएंगे तो ये और भी अच्छा बेहतरीन दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में बस यही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसको यहाँ पे आस्तीन लगाकर इसको साइड सिलाई भी हमने इसको लगाकर तैयार कर दिया हुआ है। साइड सिलाई भी हमने यहाँ पे लगा दी हुई है। अभी सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे जो दोरी कोट दोरी लगानी है, तो उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रख के जो अच्छे से शेप में है वो उसे हम काट देंगे। और उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से, अगर आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जमता पाइपिंग लगाना तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। तो ये समझ लीजिए ये जो यहाँ पर और ये यहाँ पर इसको ये जो कट है वो दोनों कट को हम मिला लेंगे और उसके बाद ये चारों पल्ला एक साथ अच्छे से रखेंगे। ये देखिए ये जो चारों पल्ला है मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए हमें चारों पन्ना एक साथ रखकर इसको तैयार कर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको, अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट पाइपिंग लगाना नहीं जमेगा तो समझ लीजिए सबसे पहले हम इसको, ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो सिलाई है गोलाई में, तो ये देखिए यहाँ पे हम जो हमारा मार्जिन आएगा उतना रखेंगे और बाकी का ये जो है उसे हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ जाने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो हमारा फालतू का कपड़ा है वो उसने हमने कटिंग कर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हमने थोड़ा कम किया क्योंकि हमें थोड़ी लंबाई ज़्यादा चाहिए थी, इसके लिए हमने यहाँ पे रहने दिया और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फालतू कपड़ा है उसको हमने निकाल दिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये थ्रेड लेंगे कोट दोरी वाला जो आपके पास है वो आप ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इसको हम इस तरीके से नापते जाएँगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा आधा इंच हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा पूरी एक साइड का दो हो गया हुआ है। अभी हमें दूसरे साइड भी चाहिए तो इसको भी हम चार बार कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा दोनों साइड का यहाँ पर हो गया है। अभी हम इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं और उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा है उसे हमने यहाँ पर दोरी बनानी है। तो सबसे पहले दोरी बनाने के लिए जो इसका हमने कॉलर का यूज़ किया था वही कपड़ा, फालतू कपड़ा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये फालतू हमारा जो कपड़ा है उसे हम, ये देखिए ये जो हमारा कपड़ा है ये जो है वो सीधा है और यहाँ पे इस तरीके से ये है। तो ये देखिए अभी हमें जो कपड़ा दोरी में चाहिए वो कपड़ा चाहिए हमें क्रॉस, और ये हमारा है सीधा। तो ये देखिए यहाँ पर जो इसकी ये वाली लाइनिंग है वो हमें वो क्रॉस ही है। तो ये देखिए ये लाइनिंग के ऊपर भी चलेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये हमारा सीधा है और ये हमारा आड़ा है। तो ये देखिए ये जो सीधा है और जो 20 वाला सेंट्रल मिलता है वो हमें क्रॉस मिलता है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये इसको कटिंग कर देंगे, जितने हमारी कोट दोरी है हमें उतना कटिंग करना है। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हम इसको यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट लगाकर इसको सीधा करेंगे। आपको सीधे उल्टे का ध्यान रखना है कि कहीं उल्टा जॉइंट ना हो जाए।
तो यहाँ हमने दोरी और कपड़ा दोनों ले लिया हुआ है। अभी हमें सबसे पहले जो है हमारा बूट है उसको बदलना पड़ेगा। इसमें हमें सिंगल पैर का ज़रूरत पड़ेगा, सिंगल पैर है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल पैर हो जाने के बाद अभी हम सबसे पहले ये देखिए जो हम ये कपड़ा है उसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे, और ये हमारी कोट दूरी है तो इसको हम यहाँ पे इसको इसके साथ रख के ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा कम होना चाहिए और ये हमारा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से रख कर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसको यहाँ पे जो कोट दूरी है उसको बनाकर तैयार कर दिया हुआ है। अभी सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये देखो सब, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कटिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर नहीं करें लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हो। ये हमारा इतना हो जाने के बाद सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा सीधा वाला पार्ट है हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और उसके बाद ये देखिए जो कोट दोरी का पार्ट है उसको, ये देखिए जो हमारा छोटा वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से, और ये हमें इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो हमारी सिलाई आएगी वो हमारे ये जो हमारा दाब है वो नहीं चलेगा, बल्कि इस साइड का दाब चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो दाब लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डबल पैर पे भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए ये जो हमारा है जो हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखा है वहाँ पे हमें इसको इस तरीके से टच कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए जो हमारी सिलाई का मार्जिन हमने रखा था यहाँ तक ही रखा था, ये देखिए हमने यहाँ तक ही रखा था, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से रख के एक सिलाई लगाते जाएंगे। वैसे ही सिलाई हम पूरे में लगा देंगे। और हाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोलाई में भी हमें उसी तरीके से सेम प्रकार से जो हमने जितना सिलाई रखा था उतना रख के सिलाई लगाते जानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये मार्किंग जो किया था वहाँ पे हमने इसको सिलाई लगाकर तैयार कर दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हमने जो यहाँ पे किया हुआ है वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करना है, लेकिन वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। लेकिन हमें जो ये साइड किया है वही हमें उस साइड भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जितना ये देखिए जो भी सिलाई में लिया था वो सिलाई हमने एक्स्ट्रा रख दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा दी हुई है, और उसके बाद इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा जाएगा, और इसको हम इस तरीके से मोड़ते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। इसको हमें यहाँ से इस तरीके से मोड़ते जाना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये देखिए यहाँ हमें गोलाई में भी हमें उसी सेम प्रकार से मोड़ते जाना है। जो हमारी कोट पाइपिंग रहे वो अपने आप ही मुड़ती जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ लेने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने यहाँ पे कोट पाइपिंग करके इसको तैयार कर दिया हुआ है। आपको भी उसी तरीके से करना है जो हमने बताया है। और ये देखिए ये हमारा यहाँ पीछे का है, तो यहाँ हमारा पीछे और आगे दोनों में अच्छे से ही आया है। ये हमारा पीछे का मार्जिन है और ये हमारा आगे का जो हमारा पाइपिंग है जो एप्पल कट में, तो ये हमें इसी प्रोसेस दोनों साइड कर देना है। और एक बात और बता दूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।